नमस्कार परीक्षा मित्र के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी, इतनी इम्पोर्टेंस है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी आजकल ऐसा कहा है कि यदि किसी विवाद में, किसी केस में अगर सही निर्णय नहीं दे पाएगी तो आदर्श के रूप में, दर्शन के रूप में वह प्रस्तावना का सहारे लेंगे, क्योंकि प्रस्तावना जो है ये मूल रूप से जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी की परिणति है। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट हमारे भारतीय संविधान में होने चाहिए, इस बात का पता चलता है प्रस्तावना से कि वास्तव में संविधान निर्माताओं का राइट व्यू क्या था, सही तरीके से सही डायरेक्शन क्या था, उनके सोचने की, समझने की, जो देखने की दृष्टि है उसका सही तरीके से आंकलन हो पाता है प्रस्तावना से ही, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, ऐसा मानना है सर्वोच्च न्यायालय का। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। चलिए बिना किसी लेट लतीफी के अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जैसा कि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम भारत के लोग, इस शब्द से प्रस्तावना की शुरुआत होती है और हम भारत के लोग ये इंगित करता है कि भारत में संप्रभुता किस में निहित है। तो ये सब देखो, एक तो ये USA के संविधान से लिया गया है, जब अपन ने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, तो हमने देखा कि हम भारत के लोग जो शब्दावली है जिससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है ये USA के संविधान से लिया गया है, लेकिन वहाँ पर भारत के लोग नहीं लिखा गया है, वहाँ पर लिखा गया है वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका के लोग, ठीक है। यानी ये इंगित करता है कि भारत में संप्रभु कौन है, ये प्रश्न भी आता है कि भारत में संप्रभुता किस में निहित है, संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता भारत में संप्रभु है। फिर आगे आता है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा भारत बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। संप्रभुता का मतलब आप समझना चाहे तो संप्रभुता के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो सॉवरेनिटी। ये जो सॉवरेनिटी है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सुपर प्लस एनस। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एनस का मतलब होता है शक्ति, यानी जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसे संप्रभु कहा जाता है। अब सर्वोच्च शक्ति किसमें, तो आंतरिक निर्णय लेने में भी सर्वोच्च शक्ति होती है, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा बाधित नहीं होती है, आंतरिक निर्णय है वो स्वयं ले सकते हैं, और बाहरी रूप से भी संप्रभु होने चाहिए। बाहरी रूप से कैसे, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि कर सकता है भारत, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, और मान लीजिए कोई संधि की है, कोई समझौता किया है तो उसको तोड़ भी सकता है। तो ये होती है संप्रभुता की एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो भारत के प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा उद्देश्य रखा गया कि हम भारत के लोग कैसा भारत बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। समाजवाद का मतलब क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था की शब्दावली है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था है, दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था है। ये इकोनॉमिक्स की मैं क्लास बनाऊंगा, उसमें पहली क्लास जो होगी अपनी वो यही होगी कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर होता है। सिंपल भाषा में आप समझें तो पूंजीवाद में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि समाजवाद में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जाती है, इसमें आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। यहाँ पर निजीकरण नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जैसा आप पढ़ते हैं, कभी ऐसा पढ़ा भी होगा आपने कि इंदिरा गांधी सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यानी अपन किस दिशा में जा रहे थे, जब इसमें राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो अपन जा रहे थे समाजवाद की तरफ। आज जो सरकारी कंपनियाँ हैं उनमें विनिवेश किया जा रहा है, ये किसकी विशेषता है, पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता होती है जब विनिवेश किया जाता है, ठीक है। विनिवेश करना पूंजीवादी व्यवस्था का लक्षण होता है, जबकि राष्ट्रीयकरण जो कंपनियां हैं, जो उद्यम होते हैं, निजी उद्यम जो होते हैं उनको भी सरकारी बना लिया जाता है, सार्वजनिकरण कर दिया जाता है, यहाँ पर निजीकरण किया जाता है। तो भारत कैसा होगा, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर भी दो शब्दावलियाँ आती हैं, एक तो शब्दावली है पंथ निरपेक्ष और एक शब्दावली आती है धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है और धर्म निरपेक्ष क्या होता है, इसे भी अपन डिटेल में देख लेते हैं एक बार।
पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इसको डिटेल में समझते हैं अपन। एक सेकंड आप बोर्ड पर रहिएगा। देखिए, एक तो शब्द आता है अपने सामने पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और एक है धर्म निरपेक्ष। एक तो ये भी ध्यान रखना अपने को कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों की एक ही होती है, सेकुलर, ये भी सेकुलर, ठीक है। कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा जैसे आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में स्थान दिया गया है, वैसे इसे भी स्थान दिया जाए, कभी ऐसा प्रयास हो कि पंथ निरपेक्ष अलग से शब्द लिखा जाए, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि दोनों का अलग मीनिंग है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों को अपन एक ही समझ बैठते हैं। पंथ निरपेक्ष ये है जो गांधी जी बोलते हैं कि राजनीति धर्म से अलग नहीं हो सकती है, राजनीति और धर्म में सामंजस्य होता है। यहां पर राजनीति और धर्म में पृथक्करण होता है। अपने यहां पर पृथक्करण और इसका आप और अच्छे से अर्थ समझें तो यूएस में ये प्रावधान है या यूके में कि आप कोई धार्मिक प्रतीक पहन करके स्कूल में नहीं आ सकते हैं, जैसे तिलक लगा करके आ जाओ पता चले ये तो हिंदू है, या फिर कोई बुर्का पहन करके आ जाओ पता चले ये तो मुस्लिम है। तो कोई धार्मिक प्रतीक पहन करके आप स्कूल में नहीं आ सकते हो। राजनीति जो है वोट नहीं मांगे जा सकते हैं धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर आप कोई विशेष आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। ये होता है धर्म निरपेक्ष, पूर्ण रूप से धर्म से निरपेक्षता अपनाई जाती है। यहाँ पर जो है पंथ निरपेक्ष में, यहाँ पर राजनीति में ये कहा गया है कि राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए। हालांकि धर्म का अर्थ अलग निकलता है वो अलग बात है, लेकिन समझने के लिए और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो गांधी जी की वो कोटेशन जिसमें गांधी जी कहते हैं कि धर्म से विहीन राजनीति नहीं हो सकती है, धर्म विहीन राजनीति पशु के समान हो जाएगी। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि जब वोट मांगे जाते हैं तो धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता है, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष में ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनाया है, ना कि धर्म निरपेक्ष शब्द को अपनाया है। सिंपल अपने पास में जो प्रश्न आता है वो इतना डीप में तो नहीं आता है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें राजनीति और धर्म में सामंजस्य होता है और यहाँ पे पृथक्करण होता है। सबसे मेन जो अंतर है वो यही आएगा धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में। आप फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 धर्म को स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अपन ने जो अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया है, भारत में जो अल्पसंख्यक माने गए हैं वो दो आधारों पर विभाजित हैं, एक तो भाषाई आधार पर और दूसरे हैं धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर विभाजन किया गया है, ठीक है। तो भाषाई धार्मिक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो धर्मनिरपेक्ष है ये ब्रिटेन के संविधान में है, ब्रिटेन ने माना है। अपन ने पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया है, यूज किया है, यहाँ पर प्रयोग किया है, यहाँ पर ऐड किया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, लोकतंत्र आप जानते ही हैं सबसे बेहतरीन परिभाषा है अब्राहम लिंकन साहब की कि लोकतंत्र क्या होगा, जनता का जनता के द्वारा जनता द्वारा किया गया, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। गणराज्य क्या होता है, देखो गणराज्य को समझने के लिए अपने को एक शब्दावली समझनी पड़ेगी। एक तो होता है गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र, और एक होगा राजतंत्र। राजतंत्र में व्यवस्था कैसी है, राजा महाराजाओं का शासन होता है। यदि राजा मर जाता है तो शासन को कौन संभालेगा, उसका पुत्र, यानी इसमें शासन व्यवस्था होती है वो होगी वंशानुगत। यदि इसमें वंशानुगत होगी तो ये ध्यान रखो इसमें वंशानुगत तो नहीं होगी, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। फिर कैसे होगा, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता है तो फिर कैसे होगा साहब, राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है तो फिर कैसे होगा, वो निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा, निर्वाचित किसके द्वारा निर्वाचित होगा,
जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। अब वो प्रत्यक्ष भी निर्वाचित हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी निर्वाचित हो सकता है। जैसे अपने राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी गणतंत्र की, कि राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है, ऐसी व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था है। आज भी वंशानुगत जो सम्राट होता है, साम्राज्य होती है, वही और उस शासन को संभालते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में सम्राट होता है, वहाँ पर आज भी राजतंत्र की व्यवस्था है, गणतंत्र नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और गणतंत्र की व्यवस्था भी है, यह अंतर होता है। फिर अपन आगे बात करते हैं न्याय। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। अब ये जो न्याय शब्द है, इससे प्रश्न क्या क्या आता है अपने काम का, तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि न्याय कहाँ से लिया गया है, तो न्याय जो लिया गया है वो लिया गया है रूस के संविधान से। कौन कौन से न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की। न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर न्याय का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है और फिर उसे सजा दी जा रही है, वो न्याय है, ये नहीं है। यहाँ पर न्याय का मतलब है कि समाज का एक वर्ग है जो कि पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़े हुए वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा, तब न्याय की स्थापना होगी, ठीक है। अब यदि सामाजिक आधार पर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है और उसको फिर आगे लाने का प्रयास किया जाता है तो वो जाएगा सामाजिक न्याय। आर्थिक आधार पर कोई पिछड़ा हुआ है उसे मुख्य धारा में लाना है तो आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, जैसे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था लोकसभा राज्यसभा में इनमें, तो अपन ने लोकल जो ग्राम पंचायतें होती हैं वहाँ पर ये कहा संविधान में 73वें 74वें संविधान संशोधन में कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो इससे क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण किसमें, राजनीति में। SC और ST बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं SC ST के लिए। तो ये जो प्रावधान किए गए, ये किसकी स्थापना कर रहे हैं, न्याय की स्थापना कर रहे हैं। तो देखो न्याय से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई है। एक तो न्याय कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सी न्याय की बात की गई है ये याद कर लो आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर भी देखो आप कभी ये प्रश्न देखोगे कि कौन से न्याय की बात नहीं की गई है, तो परमानेंट अपने को एक ऑप्शन मिलता है कि सांस्कृतिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 पॉइंट हैं, 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है प्रस्तावना में। कौन सी 5 स्वतंत्रताएँ हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और 5वीं है उपासना की स्वतंत्रता। सिक्वेंस यदि अपने को याद करना है तो आप धर्म को पकड़िए सबसे पहले, विचार और अभिव्यक्ति तो याद रह जाती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की और विचार करने की और विचारों को प्रकट करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। धर्म को पकड़िए आप, धर्म से पहले आता है विश्वास, पहले विश्वास बनता है किसी भी धर्म के प्रति, फिर धर्म आता है, तो विश्वास पहले, धर्म बाद में, और जो जिस धर्म को अपनाओगे उसके अनुसार आप उपासना करोगे, ठीक है। तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। फिर बात आती है समानता की, तो कौन कौन सी समानताओं की बात की गई है, 2 समानताओं की बात है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीने से संबंधित है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, इज्जतपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब है कि कहीं पर भी अपने को यदि अवसर मिलते हैं तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है, यदि गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकाली है तो वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह है अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में और डिटेल में दिया गया है इसको। बंधुता की भावना बढ़ाई जाएगी, कैसी बंधुता की, जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखती है, जो राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की भावना को बढ़ाया जाएगा। अब ऐसा संविधान, अब ऊपर एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
एक ये है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? तो ऊपर कुछ शब्द आए हैं जैसे समाजवाद, ये पहले नहीं था मूल संविधान में, ये 42वें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और एक है अखंडता। तो दो प्रश्न आते हैं यहाँ से, एक तो कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, और ये जो संविधान संशोधन है ये इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 59 संशोधन किए गए, यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इतने सारे, यानी अमेरिका का संविधान जो है उसमें 7 ही अनुच्छेद है टोटली, और अपन ने एक ही संविधान संशोधन से 59 संविधान संशोधन कर दिए, संविधान के अंदर 59 जगह में बदलाव किए। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द इससे जोड़े गए हैं, तो संशोधन एक ही बार हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए, ये ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 के दिन अपने पहले भी पढ़ा था, संविधान बनकर के तैयार हो गया। तो प्रस्तावना में ये लिखा गया कि आज हम जो उपरोक्त बातें अपन ने की हैं, कौन सी, कि कैसा हमें न्याय की बात करते हैं, कैसी स्वतंत्रता चाहिए, कैसी समानता चाहिए, कैसी बंधुता चाहिए, ये सारी बातों को हम आज के दिन यानी आज 26 नवंबर 1949 को, विक्रमी संवत क्या है, मार्क्सिस्ट का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि है, इस दिन 2006 विक्रमी में, विक्रमी संवत जैसे अपन ईसवी संवत में बात करते हैं, ये विक्रमी संवत 2006 था उस समय, तो विक्रमी संवत 2006 में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अंगीकृत हम अंगों में धारण करते हैं, अधिनियमित कानूनन रूप से मानते हैं आज से, और आत्म अर्पित करते हैं, हम अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं, हम खुद को समर्पित करते हैं, हमें इसके नियमों की पालना करेंगे, ठीक है। तो ये प्रस्तावना के बारे में, फिर यहाँ से प्रश्न आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्या, तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए अपने शुरू में पढ़ा था, अपने पहले ही क्लास जब हुई थी अपनी, उसमें मैंने बताया था आपको कि व्याख्या करने का जो काम है वो न्यायालय का होता है, तो न्यायालय बताएगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कुछ केसेज आए उसके पास में, उन केसेज में निर्णय दिए अलग अलग। एक ये फेमस केस केशवानंद भारतीवाद 1973, 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट अब ज़्यादा है कि हाल ही में केशवानंद जी की डेथ भी हो गई है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आप बताना कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर देना कि केशवानंद भारती केस के समय, यानी ये जो निर्णय आया था, इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश बताना है आपको, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आएगा, आप आने वाली परीक्षाओं में देखना, बहुत जल्दी आएगा। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद, लेकिन बुनियादी ढांचे से छेड़खानी नहीं होगी, उसको विकृत नहीं किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन से ये आगे है जो मैंने ऊपर बताया था, 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। फिर बात आती है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो देखो संशोधन की बात तो यहाँ पे आ गई कि संशोधन कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे से छेड़खानी नहीं की जाएगी। फिर प्रश्न आता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें कुछ कैसे याद करने हैं। बेरोबारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरोबारीवाद में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरोबारी में नहीं है बोला। केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने निर्णय को उलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, न तो ये संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, न ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लागू करवाने के योग्य नहीं है कि आप न्यायालय में चले जाओ और ये कहो किसके प्रावधान इनको लागू करवाओ, तो ऐसा भी इसमें नहीं है, ठीक है। एक ये प्रश्न, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो देखो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसमें आंसर क्या आ गया,
अपन क्या मानेंगे कि बाघ है या नहीं है, तो अपने को एक केस लिखने पड़ेंगे। बेरवारीवाद में बाघ नहीं माना और केशवानंद में बाघ मान लिया, बस। फिर आगे आता है भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। तो प्रस्तावना को वैसे दर्शन कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख अपने को करना होता है, ठीक है। फिर अपन कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन इन रूपों में है। आलोचना साहब प्रस्तावना की क्या क्या आलोचना है, तो आलोचना में आप देखिए सबसे पहले नकल की गई है प्रस्तावना की। नकल कैसे की गई है, अमेरिका के संविधान से तो ले लिया, और प्रारूप जो है वो अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी आलोचना, समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1991 से तो हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट अर्थ नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष की पाश्चात्य मान्यता जो मैंने बताई है कि ब्रिटेन में भी सेकुलर ही है, लेकिन वो धर्म निरपेक्ष के रूप में यूज में लेते हैं। अपन भी सेकुलर ही लिख लिया, फिर कोई शब्दावली दूसरी लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। प्रस्तावना न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये आलोचना है, तो ये अपना प्रस्तावना का टॉपिक था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं, कुछ रह गए हो प्रस्तावना में तो आप बता देना, क्योंकि यही प्रश्न प्रस्तावना में बनते हैं, सिक्वेंस पूछना, क्रम पूछना, यही सब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अनुसूचियाँ बताऊँगा मैं आपको, 12 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन।